चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते थे, परंतु उन्हें पता चला कि कोल्हान क्षेत्र के 8 विधायकों पर भी इसकी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई। श्याम रजक का इस्तीफा भिन्न है, वह जदयू में जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी सरकार में श्याम रजक उद्योग मंत्री थे, परंतु उद्योग मंत्री पद छोड़कर उन्होंने राजद की सदस्यता ली थी। श्याम रजक दलित नेता हैं और बिहार की राजनीति में उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री भी माना जाता था, परंतु 2020 के चुनाव में जब उन्हें उनके सीट फुलवारी विधानसभा से टिकट नहीं दिया गया, तब श्याम रजक ने चुनाव राजनीति में मुकाबला नहीं करने का निर्णय किया। चंपई सोरेन को यह सुझाव दिया गया कि झामुमो छोड़ने के बाद अपने लिए चुने गए 3 रास्तों में से 2 पर ही विचार करें। तीसरा रास्ता यह था कि वह किसी दल में अर्थात भाजपा में जाएं। चंपई सोरेन अब पहले रास्ते पर चल रहे हैं और अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। श्याम रजक ने बताया है कि अब उनके लिए रास्ते खुले हैं। राजद महासचिव पद से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का पत्र वेबसाइट पर डाल दिया। प्रेस को कहा है कि अब उनके सामने रास्ते खुले हुए हैं। झारखंड का यह इस्तीफा और बिहार का यह इस्तीफा दोनों ही अभी इंडिया गठबंधन में विरुद्ध और एनडीए के पक्ष में जाता है। झामुमो खेमे में उन्हें वापस बुलाने की भावना बनी रही, परंतु राजद के नेतृत्व में श्याम रजक ने जवाब में दम के साथ बात कही। शतरंज का मैं शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। दिक्कत यही हुआ कि वो मोहरा मैं रिश्ते में समझ रहा था, वो मोहरा को रिश्ता नहीं समझ रहे। आगे क्या करेंगे सर? अभी मैंने इस्तीफा दिया है, अब मेरे सामने पूरा खुला विकल्प है। अब मेरे सामने दो ही विकल्प हैं, एक तो वह अपने विजन को पूरा करने के लिए सबसे पहले फुलवाड़ी की जनता का ऋण है, और दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक उनका भी ऋण मुझ पर है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने भी कुछ कदम किया है। लेकिन एक सप्ते के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। शतरंज की बात आपने की है, शतरंज का मोहरा आखिर कौन? शतरंज का मोहरा मैं बना। खिलाड़ी कौन था? खिलाड़ी जो नेता होंगे वही ना खेल रहे होंगे शतरंज, जिसको आता होगा वही ना शतरंज खेल रहा। झारखंड और बिहार के इन दोनों नेताओं की हैसियत शुरू से रही है, और शुरू से ही वह दूसरे दर्जे के नेतृत्व का दावा करते रहे हैं। श्याम रजक का इस्तीफा ताज़ा खबर है, तथा तेजस्वी यादव ने इनके प्रति अपनी शुभकामना और औपचारिकता पूरी की है। इसके बाद इस मसले को लॉक करते हुए कहा है कि राजद पर श्याम रजक के जाने का कोई असर नहीं पड़ेगा। सर आप जहाँ रहे अच्छे से रहे तो ठीक है, तो उसमें क्या कहना है, उनको गए तो गए, इस पर हमको कोई बात नहीं कहना। चुनाव आने वाला है, लोग अपना देखता है, कहीं जाना है नहीं जाना। राजद की तरफ से चुनावी मोहरे तो बिछाए जा रहे हैं, परंतु इस बात का कतई ख्याल नहीं है कि यह पार्टी एक पुरानी पार्टी है। लालू प्रसाद भी पार्टी में अपने पुत्र की हैसियत के आगे पार्टी के पुराने नेताओं को खास कोई महत्व नहीं दे रहे हैं।